हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रही होंगी। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? कैसी चल रही है आप लोगों की वर्दी पाने की तैयारी? जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे एस्पिरेंट्स का दिल तोड़ा है। बहुत बड़ी भर्ती थी और बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे और बहुत अच्छा स्कोर भी किया था, लेकिन फिजिकल ने सबका दिल तोड़ दिया। किसी का फिजिकल ने दिल तोड़ दिया, किसी का मेडिकल ने दिल तोड़ दिया और आखिर में रिजल्ट ये निकला है कि जो हमारी 7,500 का इतना बड़ा बैच आने वाला था, इतनी सारी वैकेंसीज थी, वो भी फिल नहीं हुई, वो भी वैकेंट रह गई। और अब हम सब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं दिल्ली पुलिस के, वो तो जिद्दी हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि क्या पता फिजिकल के लिए एक और लिस्ट आए, क्या पता जो जिन बच्चों का मेडिकल क्वालिफाई हो गया है उनके लिए एक और लिस्ट आए और हमारी नई वैकेंसीज भी आएंगी। काफी सारी चीजें हो रही हैं, काफी सारे कमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग कि मैम प्लीज आप बताइए कि क्या अभी 2024 में दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, ऐसा कोई नोटिफिकेशन है क्या? तो उन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसीज कब आ सकती हैं और कब आएंगी। क्या जो अभी इतने सारे लोगों ने बताया है कि हाँ 4800 वैकेंसीज आ रही हैं दिल्ली पुलिस की, इसी साल आ रही हैं, क्या वो सच है झूठ है, सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम रीना है, मैं दिल्ली पुलिस में 2018 बैच से एज कॉन्स्टेबल सिलेक्टेड हूँ और मेरा जो सिलेक्शन था वो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था। मेरे रिटर्न में 77 मार्क्स थे जिसमें मैथ और रीजनिंग में मेरे 50 में से 50 मार्क्स थे। जी हाँ, पहले मैथ रीजनिंग 50 नंबर का आता था, अभी दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैथ रीजनिंग 40 नंबर का आता है, लेकिन जिस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे मैथ रीजनिंग 50 नंबर के आते थे और मेरे मैथ रीजनिंग में 50 में से 50 ही मार्क्स थे। तो मैं अपना जो मैंने बुक्स फॉलो करी थी, मैंने जो अपना स्टडी रूटीन फॉलो किया था, वो सारी चीजों के बारे में भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जो आप लोगों के ज्यादा सवाल हैं, जो ज्यादा कमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो यही है, क्या फिजिकल के लिए एक और कट ऑफ आ सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल के लिए और कट ऑफ नहीं आएगी। ये जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक लिस्ट और आ सकती है, वो किन कैंडिडेट्स की आ सकती है? वो आ सकती है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट हर एक वैकेंसी में आती है, तो इस बार भी आएगी और वेटिंग लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जिनका फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई हो चुका है और उनके जो फाइनल, जो हमारी सिलेक्शन वाली जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें वो एक आध नंबर से रह गई, उन कैंडिडेट्स का नाम आ सकता है वेटिंग लिस्ट में। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए ही क्वालिफाई नहीं किए थे या जो फिजिकल में डिसक्वालिफाई हो चुके हैं या मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं, उन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये वाली जो वैकेंसी थी, ये जो 2023 वाली वैकेंसी थी, इसमें कोई भी और लिस्ट नहीं आएगी। ये वैकेंसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था हो चुका है। अगर एक और लिस्ट आएगी वो सिर्फ वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट आती है, साथ साथ नहीं आती है, थोड़े दिन बाद अपलोड करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट तो आएगी, हर एक वैकेंसी में आती है, इस वैकेंसी में भी आएगी। हाँ, ये जो वैकेंसी थी इसमें बहुत सारे बच्चों के दिल तोड़े हैं, बहुत सारे बच्चे दिल से मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत करी थी बहुत बच्चों ने कि हाँ, बहुत सारे बच्चों के 70 प्लस मार्क्स थे, 75 प्लस भी थे, कई बच्चे 80 प्लस वाले भी थे, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिजिकल में डिस्क्वालिफाई हो गई क्योंकि फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला। ये जो भर्ती थी इसमें हमारे सारे ही अनुमान गलत हो गए, क्योंकि ये जो भर्ती हुई है वो बहुत ही जल्दबाजी में भर्ती हुई है। जो पहले से रूटीन होता था दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन का, वो बहुत अच्छा प्रोसेस था। पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, तो पहले हम लोगों के फिजिकल हुए थे, फिजिकल भी हमारे जैसे सितंबर में फॉर्म अप्लाई हुए थे और मार्च में फिजिकल हुए थे, 6 महीने का टाइम मिला था हम लोगों को फिजिकल के लिए। लेकिन यह है कि फिजिकल के लिए 2-3 महीने की प्रैक्टिस काफी होती है, लेकिन आप लोगों को 2-3 महीने की भी प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। जैसे ही आपका रिजल्ट आया, 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट आया था, 13 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, तो आपको तो 10-15 दिन का ही टाइम मिला। वो बात अलग है कि आपको एग्जाम के टाइम पे ही पता चल गया था कि आपके फिजिकल जल्दी होंगे, तो अगर उसको भी लेकर चलते हैं तो भी आपको 1-1.5 महीने का ही टाइम मिला था फिजिकल की तैयारी के लिए। और जो बच्चे रूटीन में वर्कआउट नहीं करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है फिजिकल की प्रिपरेशन करना 1-1.5 महीने में।
और जो बच्चे सिर्फ स्टडी पे फोकस रखते हैं, रूटीन में वर्कआउट नहीं करते, तो उनके लिए मुश्किल हुआ है फिजिकल में। इसलिए जो हमारा फिजिकल की क्वालिफाइंग रेट थी वो इतनी कम रही कि सिर्फ 8800 बच्चों ने ही फिजिकल क्वालिफाई किया। और उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि जो हमारी 7500 वैकेंसी थी वो कम्प्लीट भी नहीं हुई है, उसमें से लगभग 650 वैकेंसी ऐसी है जो वैकेंट रही है। तो ये जो वैकेंट वैकेंसी रही हैं, ये हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी दिल्ली पुलिस की, या फिर हो सकता है जो हमारी वेटिंग लिस्ट आए उससे बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो। तो ये था हमारी 2023 की भर्ती के रिगार्डिंग। इसके बाद बात करेंगे कि 2024 में हमारी वैकेंसी आ सकती है या नहीं। तो देखो, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं तैयारी करती थी, मेरा जैसे ही 12th खत्म हुआ, मेरा ये था, मेरा कोई दिल्ली पुलिस टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट था जॉब पाना। तो जो एस्पिरेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आना चाहते हैं, इट मीन्स आप लोगों की 12th हो चुकी है और आप लोगों को जॉब चाहिए, है ना। अगर जो बच्चे आगे भी फर्दर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं या फिर सोचते हैं कि सीजीएल ही करना है, सीपीओ ही करना है, यूपीएससी ही प्रिपेयर करना है, या और आगे कोई भी जॉब एक्स वाई जेड, तो वो तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे और वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही पीछे नहीं पड़ेंगे, है ना। और जो बच्चे 12th के बाद ही जो बच्चे प्रिपरेशन करने लग जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप सिर्फ दिल्ली पुलिस के पीछे मत भागो कि सिर्फ दिल्ली पुलिस ही चाहिए, दिल्ली पुलिस की ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है 2 साल में एक बार आती है। अब तक तो ऐसा ही हुआ है कि 2 साल में एक बार होती है। जैसे ही हमारी दिल्ली पुलिस की एक वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट वैकेंसी में क्या होता है, ट्रेनिंग भी हो जाती है हमारी। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन आता है। तो इस बार वाली जो भर्ती है, ये जो 2023 की जो भर्ती है, इसका तो रिजल्ट आ चुका है। जो हमारी ज्वाइनिंग होगी वो फेब में हो जाएगी, और जो पासिंग आउट होगी, क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारी, तो जो पासिंग आउट होगी मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में होगी पूरी कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग। तो हो सकता है जो हमारा नोटिफिकेशन आए दिल्ली पुलिस की नेक्स्ट वैकेंसी का, जो रूमर्स हैं कि 4800 वैकेंसी जाएंगी, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो सकता है जनवरी 2025 में आए या फिर दिसंबर 2024 तक आए, उससे पहले नहीं आएगा। और हो भी सकता है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कल कर क्या रहे हैं, जिस तरीके से ये वाली वैकेंसी कंप्लीट करवाई है, हो सकता है वैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी भी कंप्लीट करवा दे, वैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी भी आ जाए। लेकिन कम से कम 6 महीने तक तो कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि अभी लोकसभा के भी इलेक्शन होने वाले हैं, पहले लोकसभा के इलेक्शन होंगे। जो ये भर्ती कंप्लीट हुई है इतनी जल्दबाजी में, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस की वजह से हुई है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी चीजें होंगी, अब जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उससे पहले आचार संहिता से पहले पहले जितनी भी वैकेंसीज हमारी लाइनअप थी उनको कंप्लीट करवाने का ट्राई किया गया है। इसीलिए दिल्ली पुलिस का जो प्रोसेस था इतना जल्दबाजी में हुआ है। तो अभी तो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो कम से कम आपको 6 महीने का टाइम जरूर मिलेगा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेज हैं कि आपकी वैकेंसी दिसंबर तक आए। तो दिसंबर तक आपके पास टाइम है अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ दिल्ली पुलिस के पीछे मत पड़े रहो। दिल्ली पुलिस के ही सेम जितना, जैसे यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीएचएसएल है, ये 4 वैकेंसी जैसी होती हैं जिसमें काफी सारी वैकेंसी जाती हैं, बहुत सारी वैकेंसी जाती हैं जिसमें आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप इन सब चीजों की तैयारी करो, सिर्फ एक दिल्ली पुलिस के पीछे मत पड़े रहो। चाहे आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है उसकी भी तैयारी करो, क्योंकि जो सबका सिलेबस है सेम सा ही रहता है। दिल्ली पुलिस के सिलेबस में क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या है, इंग्लिश नहीं है, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, ये 3 चीजें तो आपको हर एक पेपर के लिए पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस की बात करें तो वहां पे या तो इंग्लिश या हिंदी, ये 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। 2 चीजें एक्स्ट्रा है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि यूपी पुलिस में हिंदी है, एसएससी जीडी में हिंदी / इंग्लिश है, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो आप उस तरीके से टारगेट रखो अपना, जैसे मान लो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, तो वो एस्पिरेंट्स मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उन बच्चों का स्कोर एसएससी जीडी में भी और यूपी पुलिस में भी बहुत ही अच्छा रहेगा, जिन बच्चों का स्कोर दिल्ली पुलिस में अच्छा था, क्योंकि एक सब्जेक्ट की वजह से स्कोर इतना कम नहीं हो पाता। और आप साथ साथ उसकी भी तैयारी करो, आप मल्टीपल जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करो एक साथ।
चाहे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बार पूरा बेसिक से क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपना बेसिक क्लियर नहीं कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो। उसके बाद आप देखो, पहले सबसे पहले बेसिक क्लियर करो मैथ रीजनिंग जीके का, उसके बाद आप देखो कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको कितना पढ़ना है, तो आप उस तरीके से बाद में तैयारी करना शुरू करो। लेकिन जो शुरू के 3 से 4 महीने हैं, ये 3 से 4 महीने सिर्फ आप अपना बेसिक क्लियर करने में लगाओ। इसलिए अभी आप अपने आप को मेंटली प्लस फिजिकली दोनों तरीके से ही प्रिपेयर कर लो, जब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्तियां नहीं आ जाती। जिस तरीके से इस बार आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, ये वाला धोखा आपके साथ अगली बार न हो। तो आप अपनी बेसिक से तैयारी रखो, अपनी रिटर्न की भी तैयारी करते रहो साथ साथ, और साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी थोड़ा थोड़ा करते रहो। दोनों टाइम पे थोड़ा सा नॉर्मल सा वर्कआउट जरूर करो, वो हमारी हेल्थ के लिए भी सही है। और जब हम आगे, जब आपको जाना ही बेल्ट की नौकरी में है, एसएससी जीडी में जाना है, यूपी पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में जाना है, तो फिजिकली फिट होना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपको मेंटली प्रिपेयर होना। आपका सिर्फ रिटर्न से काम नहीं चलेगा, आपका फिजिकल भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस बार जितने बच्चे रहे हैं वो फिजिकल की वजह से ही रहे हैं। तो आपके पास जितना भी टाइम है, चाहे 1 साल का भी टाइम है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में, तो 1 साल तक आप अपने आप को ये सोच के रखो कि हाँ अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें मेरे को वर्दी लेनी ही लेनी है। तब तक आप अपनी फिजिकल की भी और रिटर्न की भी दोनों की तैयारी साथ साथ रखो। ऐसे नहीं कि हाँ अब जब नोटिफिकेशन आएगा, जब वैकेंसी जाएंगी उसके बाद ही मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, प्लस दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी की, यूपी पुलिस की और आरपीएफ की, अदर जितनी भी वैकेंसीज आप आती हैं सबके फॉर्म अप्लाई करो, सबका एग्जाम देने जरूर जाओ। पता क्या होता है, जब आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है ना, तो आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है। जब आप एग्जाम्स देते हो, जब एग्जाम्स क्लियर होने लग जाते हैं, तो एक अलग सा ही मोटिवेशन, अलग सा ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है कि हाँ जो भी एग्जाम आएगा मेरा तो क्लियर होगा। तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप मल्टीपल जॉब्स के लिए ट्राई करोगे और मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक करोगे। सिर्फ दिल्ली पुलिस के पीछे मत भागो, हो सकता है जिस दिन आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम उस दिन आपका दिन खराब हो, जिस दिन आपका फिजिकल हो उस दिन कुछ ना कुछ चोट लग जाए, कुछ और हो जाए, तो क्या आप उसी के पीछे पड़े रहोगे कि हाँ मेरे को तो सिर्फ यही लगना था और इस दिन मेरा तो दिन खराब हो गया तो मेरे को जॉब मिलेगी ही नहीं। तो सिर्फ एक चीज के पीछे मत भागो, अपनी लाइफ में ऑप्शंस जरूर रखो। ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है कि कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस में नहीं होता, एसएससी जीडी में हो जाएगा, यूपी पुलिस में हो जाएगा, आरपीएफ में हो जाएगा, एमटीएस में हो जाएगा, बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे स्कोप हैं आपके पास। तो अपने आप को लिमिटेड मत रखो, पूरा खोल दो कि हाँ कोई भी जॉब आएगी, कोई भी तैयारी करूंगा मैं, मेरे को सिर्फ पढ़ना है और जॉब पाना है। अपना फोकस सिर्फ जॉब पे रखो, न कि दिल्ली पुलिस पे, हरियाणा पुलिस पे, एसएससी जीडी पे, किसी पे मत रखो, सिर्फ जॉब पे रखो। आपका काम है पढ़ना और साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करना। अगर आपको बेल्ट की नौकरी में जाना है, तो अगर आपको करना ही सिविल के लिए प्रिपेयर है, तो पूरा टाइम अपना स्टडी में लगाओ। दो ही टारगेट रखो, बेल्ट की नौकरी है तो दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर करो, अगर आपको सिविल में जाना है तो सिर्फ स्टडी पे फोकस रखो। ये था मेरा आपको सजेशन, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।